दिल्ली निकाय चुनाव में आपकी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा जो प्रलोभन दिए गए और फ्री के राजनीति की जा रही है, ये सिर्फ कुछ दिन ही चलेगा। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। आंदोलन से उभरी पार्टी अन्ना हजारे को जब धोखा दे सकती है, तो इस पार्टी के बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जहाँ पर भी सरकार बनाएगी, इनके झूठे वादों को देखकर जनता फिर से बीजेपी को जीत दिलाएगी। वहीं 2023 में उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रेम चंद्र अग्रवाल का कहना है कि इन नतीजों से उत्तराखंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था जिसमें सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी और उनके मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी को विचारधारा नहीं है। वो जिस प्रकार से उन्होंने एक जो एक आंदोलन था उसी उपजी पार्टी अन्ना हजारे को जो धोखा दे सकती हो, उस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में क्या कह सकती है। पंजाब में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है इस समय। आज वहाँ हर आदमी किसान है तो जो है सड़क पे है, कर्मचारी है सड़क पे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सड़क पे है। जो सिगुफा इन्होंने चुनाव से पहले दिया था उसका आज अपना मुंह बचाते हुए चल रहे हैं। तो ऐसा मान के चले जहाँ जहाँ ये आएंगे जनता उनके असले समझेगी, लास्ट में फिर यही समझेगी कि आखिर में दो विचारधाराओं की लड़ाई होने, उसमें भारतीय जनता पार्टी पे जो जनता विश्वास कर रही है, माननीय मोदी जी विश्वास कर रही है, वो सामने